यदि आप स्पीड पोस्ट की वेबसाइट के माध्यम से अपने कंसाइनमेंट नंबर को ट्रैक कर रहे हैं और आपको इस प्रकार का एरर देखने को मिल रहा है यहाँ पर कंसाइनमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड, तो ये एरर हमें क्यों देखने को मिलता है और ये एरर कब बढ़ता है? यदि हम किसी दूसरी कंसाइनमेंट ट्रैक वेबसाइट के थ्रू स्टेटस चेक करें तो क्या हमें जो स्टेटस है देखने को मिल जाएगा, यानी उसका रिकॉर्ड हमें देखने को मिल जाएगा? तो कभी कभी हमें रिकॉर्ड भी देखने को मिल जाता है। तो अभी हम आपको एक वेबसाइट बताएंगे जहाँ से आप कंसाइनमेंट नंबर को ट्रैक कर सकते हैं यदि आपको यहाँ से रिकॉर्ड देखने को नहीं मिल रहा है। तो उससे पहले जान लेते हैं कि ये एरर क्यों आता है एक्चुअली में। जैसे कि आपका कोई पार्सल आने वाला है कहीं से, जैसे कि आपने पैन कार्ड बनाया हो या पासपोर्ट बनाया हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया या कोई अदर आपने डॉक्यूमेंट बनाया हो जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके होम एड्रेस पर डिलीवर होने वाला है। तो ऐसे में होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था और आपने जो ऑप्शन है रिसीव करने का ड्राइविंग लाइसेंस, वो आपने बाई पोस्ट सेलेक्ट किया था। तो ऐसे में क्या हुआ, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है, अभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है पीयूसी कार्ड पर प्रिंट करके आपके होम एड्रेस पर भेजा जा रहा है। तो ऐसे में ऐसा तो है नहीं कि आपने ऑल इंडिया में आपने ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, तो हज़ारों लोगों ने एक साथ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और हज़ारों लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है, पीयूसी कार्ड पर प्रिंट हो चुका है और पार्सल करने के लिए वो अभी पेंडिंग है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो कंपनी जो होती है, संस्था होती है, इंस्टीट्यूट होता है, वो क्या करती है एक साथ जितने भी 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं एक साथ, वो सभी का पार्सल एक साथ में बुक करती है। जैसे कि होता क्या है कि सबसे पहले तो क्या करेंगे, पार्सल को पैक करेंगे अच्छे से लिफाफे में, फिर है ना, फिर उस सभी के पार्सल के ऊपर एक एक कंसाइनमेंट नंबर है अलॉटमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे आपको कंसाइनमेंट नंबर मिला है ना, वैसा सभी पार्सल पर एक एक कंसाइनमेंट नंबर है अलॉटमेंट किया जाता है। फिर उस कंसाइनमेंट नंबर को है ना वो आपके डाटाबेस पर ऐड करते हैं, यानी ड्राइविंग लाइसेंस का कंसाइनमेंट नंबर है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस का जो भी नंबर है उस पर वो कंसाइनमेंट नंबर को ऐड वहाँ पर रिकॉर्ड पर ऐड कर देंगे, जिससे कि आपको कंसाइन नंबर मिल चुका होगा। इसी तरह सभी का कंसाइन नंबर पार्सल पर ऐड करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे में किसी को कंसाइन नंबर जल्दी मिल जाता है तो किसी को थोड़ा लेट मिलता है। तो सबसे पहले तो कंसाइन नंबर को अलॉटमेंट करते हैं और पार्सल पर चिपकाते हैं और डाटा बेस पर ऐड करते हैं, पहला काम वो ये करते हैं। ठीक है, सारा कुछ काम हो जाता है, जैसे कि अलॉटमेंट भी हो चुका है सभी का और सभी का पार्सल अच्छे से पैक भी हो चुका है, सभी का जो कंसाइन नंबर है सभी को भेज भी दिया गया है। उसके बाद में वो जो पार्सल होते हैं सारे के सारे पार्सल को फिर कूरियर कंपनी के पास पहुंचाती है, फिर कूरियर कंपनी क्या होती है उस पार्सल को आपके पास पहुंचाती है। ठीक है, तो ये जो लेन देन का जो प्रोसेस है उसमें 24 से 48 घंटे लग जाता है। किसी को एक घंटे में कैसा नंबर मिल जाता है तो किसी को 24 घंटे में मिलता है। ठीक है, तो 24 से 48 घंटे आपको वेट करना होगा कंसाइन नंबर मिल जाने के बाद। फॉर एग्जांपल मैंने अभी कंसाइन नंबर अलॉटमेंट किया, वो आपके पास पहुंच चुका है, क्योंकि अभी वहाँ हमारे पास 10,000 जो पार्सल है उस पर कंसाइन नंबर अलॉटमेंट करना है। तो ये तो है ना कि एक मिनट में सभी के कंसाइन नंबर अलॉटमेंट हो जाएंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और आप तुरंत चेक करोगे तो आपको इसी तरह का जो रीज़न है देखने को मिलेगा, क्योंकि उसने अभी पार्सल नहीं किया है, अभी आपका कंसाइन नंबर है जारी किया है। ठीक है, अभी उसने आपका पार्सल को बुक नहीं किया, अभी कंसाइन नंबर ही जारी करके छोड़ दिया है, बाकी का काम उसने पेंडिंग में रखा है। तो क्या करेगा कि 24 घंटे होने के भीतर वो सारा काम कर लेगा, फिर उसको बुक कर देगा, फिर आप चेक करेंगे ना तब आपका स्टेटस देखने को मिल जाएगा। उससे पहले चेक करेंगे तो यही एरर देखने को मिलने वाला है, तो आपको जल्दी नहीं करना है, 24 घंटा वेट कर लेना है और आपका स्टेटस चेक देखने को मिल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप जल्दी चेक कर लेंगे तो आपका पास जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा, वो तो थोड़ा वो तो टाइम से पहुंच जाएगा, जल्दी करो चेक करो बाद में चेक करो तो आराम से पहुंच जाएगा पार्सल। आप जल्दी चेक करेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला, आपको 24 घंटे का वेट कर लेना है यदि आपका कंसाइनमेंट नंबर नहीं आया है तो। यदि आपका कंसाइनमेंट नंबर 2 साल पुराना है, 6 महीना पुराना है, 1 साल पुराना है तो आपको ये स्टेटस चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रिकॉर्ड से डाटाबेस से वो डिलीट कर दिया गया है। कैसा नंबर जो कुछ महीना ही काम करता है उसके बाद में वो डाटाबेस से रिकॉर्ड है उसको डिलीट कर दिया जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं होता है कंसाइनमेंट नंबर। तो आपका नया है तो 24-48 घंटा इंतजार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा और रिकॉर्ड है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप कहाँ से आप ये स्टेटस चेक कर सकते हैं? ठीक है, तो आप इस वेबसाइट पर आ जाना है, यहाँ पर मैंने बताया भी है स्पीड पोस्ट अगर कंसाइन नंबर शो नहीं कर रहा है तो उसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है, तो आप ये पोस्ट को रीड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको जो भी इसका आंसर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमको ये वाला वेबसाइट के थ्रू आपको स्टेटस चेक करके दिखा दे रहे हैं। काफ़ी लोगों का स्टेटस यहाँ से चेक हो जाता है, काफ़ी लोगों का नहीं होता है, जो एक्चुअली में नहीं होगा रिकॉर्ड में तो स्टेटस चेक होगा ही नहीं। जैसे हम इस लिंक पर क्लिक कर दे रहे हैं, यहाँ पर क्लिक किया और आपके सामने ये वेबसाइट लोड देगा, थोड़ा सा आपको इंतज़ार कर लेना होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे सामने ये वेबसाइट आ चुका है, अभी आपको यहाँ पर कंसाइनमेंट नंबर जो आपको मिला है वो यहाँ पर एंटर कर देना है और ट्रैक नाउ बटन पर क्लिक कर देना है, आपका स्टेटस चेक हो जाएगा यदि वो डाटाबेस पर अपडेट हो चुका है तो।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पार्सल है वो इंडिया पोस्ट का है और ये कंसर्न नंबर है और कस्टमर को जो पार्सल है वो डिलीवरी हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में यहाँ पर लिखा रहा आइटम डिलीवर कन्फर्म डिलीवर हो चुका है या आइटम यहाँ पर कन्फर्म बता रहा है। तो इस प्रकार यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। यदि यहाँ से स्टेटस चेक करने का आपका रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो यहाँ पर तीन ऑप्शन है, एक तो इधर से चेक कर सकते हैं होम पेज से, और यहाँ पर एक कंसाइनमेंट ट्रैकिंग से थ्रू चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर 17 ट्रैक से भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर तीन एपीआई के लिए यहाँ पर कनेक्टेड है, तो आप इन तीनों ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर तीनों अलग अलग है, रिकॉर्ड बताता किसी पर बताता किसी पर नहीं बताता, बट यहाँ पर 100% है आपका पार्सल ट्रैक हो जाता है हर हालत में यदि आपका डाटाबेस पर अपडेट हो चुका है तो। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, फिर भी कुछ डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका यही सॉल्यूशन है, इसका ऐसा सॉल्यूशन है नहीं कि जिधर आपका कंसाइनमेंट नंबर डालो और आपका पार्सल ट्रैक हो जाए, क्योंकि जब तक आपका पार्सल का जो उस कंपनी की वेबसाइट पर डाटाबेस पर अपडेट नहीं होगा तब तक कोई भी कंपनी कोई भी वेबसाइट आपके पार्सल को ट्रैक नहीं कर सकती। ठीक है, तो आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, वो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें।